हाई टेंशन तार की चपेट में आया डीजे कांवर, 6 कांवड़ियों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार को हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा कांवड़िए घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे से आक्रोशित कांवड़ियों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। वे बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। ये हादसा मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के राली चौहान इलाके में हुआ है। यहाँ हरिद्वार से जल लेकर बड़ा डीजे कांवड़ मेरठ पहुँचा था। गाँव में दाखिल होने से पहले हाई टेंशन लाइन बंद कराने के लिए बिजली विभाग से कहा भी गया था, लेकिन हाई टेंशन लाइन चालू रही और डीजे कांवर हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। डीजे कांवर के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर 6 कांवड़ियों की झुलस कर मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा कांवड़िए घायल हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद कांवड़ियों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर कई थानों की पुलिस के साथ जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गया और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं लापरवाह विद्युत अधिकारियों पर भी एक्शन का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इसी तो उसने लैंड मैन से बोला था कि सिट डाउन कर, तो 1 घंटे पहले ही बोल दिया था उन्होंने, कर दी थी उन्होंने, मगर जो कांवड़ ये 2 खंभे पार तो हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने लाइट बीच में छोड़ दी थी, उसके बीच हो गया है सब। हाँ जी, घटना किस तरीके से, क्या घटना? घटना तो वो मौजूद थे उस, हाँ जी, कितने लोग सवार थे, कितने घायल हुए? तो घायल तो जी 8-7 हो गए, 6 खत्म हो गए जी। अच्छा, यहाँ 2 भाई भी बताए जा रहे हैं? हाँ जी, एक साथ 2 भाई थे, घायल अभी बहुत सारे हुए हैं, अभी पता नहीं कौन कौन है। अच्छा, ब्लास्ट हुआ था इसमें जब करंट लगा था, क्या हुआ था? नहीं जी सर, पूरे में करंट उतर गया था, मतलब आग लग गई थी तारों में, तो इस वजह से तो बहुत घायल हुए, बिजली ने दूर दूर फेंक फेंक कर मारा सबको। हाँ जी, आप वहीं साथ में थे? हाँ जी, मैं भी ट्रोले पे ही था ऊपर, मैं गद्दे पे था, मैं इसलिए बच गया। 8:15 के करीब सतौली चौहान गांव जनपद मेरठ में जो थाना बावनपुर अंतर्गत आता है, उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे, और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 KV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे, और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है, और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम, वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं और लगातार उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सही तरीके से सभी का इलाज हो, और बाकी की कार्रवाई भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी मुहैया करवाई जा रही है, और आगे का अपडेट जैसे भी होगा हम लोग आपको। थैंक यू। ये भावनपुर में राली चौहान से पास एक डीजे जा रहा था, जिसमें 16 लोगों के होने की बात बताई गई है, जिसमें करंट लगने से लोग झुलस गए हैं, सभी अलग अलग अस्पताल में गए, अभी पता किया जा रहा है कि कहाँ पे कितने लोग भर्ती हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है। अभी कुछ लोगों को पता चला है कि जिनका इलाज चल रहा है, और जो कैजुअल्टी बताई जा रही है यहाँ पर, उनको उसके बारे में भी कंफर्म किया जा रहा है कि उनकी क्या स्थिति है और कितने लोग घायल हैं, कितने लोग, कितनी कैजुअल्टी की सूचना है। अभी यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं 3 या 4 लोगों की, उसके कंफर्म किया जा रहा है कि कितने लोग सवार थे उस पर। उसमें 16 लोग बताए जा रहे हैं कि 16 लोग उस पर सवार थे। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही से हादसा? ये चूंकि बगल में 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, बताया जा रहा है कि शट डाउन लिया गया था, लेकिन दोबारा चालू होने से उसमें करंट आने से इस तरह की बात बताई जा रही है, इसको पता लगाया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।